ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरविंद इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास टेंथ के पोएम का सेकंड लेसन जो है हिंदी अनुवाद सीखने वाले हैं हम लोग इसका। ये पोएम है द साम ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के गीत। इसके पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो। ये जो अमेरिका में पैदा हुए थे 1807 में, और ये वहाँ पर बहुत विश्वविख्यात कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। इन्होंने मॉडर्न लैंग्वेज पर टीचिंग का काम किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और इनकी जो पहली पोएम की कलेक्शन थी वो थी द वॉइसेस ऑफ नाइट, और यही जो कि 1839 में पब्लिश की गई थी, और इसी में द साम ऑफ लाइफ पोएम जो है। और इन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे थे और भी, जैसे पोएम्स ऑन स्लेवरी या फिर द स्पेनिश स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे पोएम लिखे थे इन्होंने। और ये जो पोएम है द साम ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के गीत, इसमें इन्होंने जीवन की वास्तव में जो वास्तविक गीत है वो बताया इन्होंने। इनके अनुसार जीवन जो है सच्चा है, वास्तविक है, और मरना जो है कि इसका उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य मरना नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य को पूरा करना जो है जीवन का उद्देश्य होता है। और भी अच्छी बातें इसमें हैं। चलिए हम लोग सीधा टेक्स्ट पे चलते हैं और सीखते हैं, जानते हैं। तो शुरुआत होती है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। डस्ट द वार्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। पहले स्टेंजा में जो है कवि जो है जीवन की वास्तविकता और जीवन का जो उद्देश्य है और जो नहीं है उसकी बात करते हैं। कहते हैं लाइफ इज़ रियल, रियल मतलब वास्तविक या सच्चा। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब सच्चा, और ईमानदार भी होता है, सच्चा भी। तो जीवन क्या है? लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है, दृढ़ संकल्पित है। एंड द ग्रेव, और ग्रेव, ग्रेव मतलब कब्र, कब्र अर्थात मौत। इज़ नॉट इट्स गोल, इज़ नॉट नहीं है इट्स गोल इसका उद्देश्य, इसका मंजिल, मतलब जीवन का मंजिल जो है कब्र नहीं है, मतलब मौत ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। फिर कहते हैं कि डस्ट द वार टू डस्ट रिटर्नेस, इस जीवन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि डस्ट जो जीवन है, डस्ट द वार, जीवन को कहते हैं दाऊ, तुम्हारी आर्ट कला, डस्ट मिट्टी है, जीवन को कहते हैं कि जीवन तुम्हारी कला जो है मिट्टी, अर्थात तुम मिट्टी से बने हुए हो, और टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और टू डस्ट मिट्टी में ही तुमको रिटर्नेस्ट रिटर्न हो जाना है, मिल जाना है इसी में। लेकिन इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इज़ नॉट स्पोकन ऐसा नहीं कहा जाता है ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में, अर्थात जीवन जो है मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में वापस मिल जाएगा, लेकिन इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल अर्थात आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, अर्थात आत्मा जो है न तो मिट्टी से बनी है न तो मिट्टी में मिलेगी, अर्थात ये अजर है, अमर है। एक बार फिर से रिविजन करना चाहेंगे, कहते हैं कि लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है, अर्थात मर जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। डस्ट द वार्ट, जीवन को कहते हैं कि तुम डस्ट द वार्ट, तुम्हारी कला मिट्टी है, अर्थात तुम मिट्टी से बने हुए हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता, मतलब आत्मा जो है न तो मिट्टी से बनी है न तो मिट्टी में मिलेगी, ये अजर है, अमर है। दूसरे स्टेंजा में कहते हैं कि नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज़ अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर दैन टूडे। काफ़ी अच्छी बातें कहते हैं कि नॉट इन्जॉयमेंट। देखिए, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे जीवन में ये लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, हमारे नसीब में ये लिखा है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत बात है कवि के हिसाब से। कवि कहते हैं कि नॉट इन्जॉयमेंट, नॉट इन्जॉयमेंट न तो खुशी आनंद, एंड नॉट सॉरो न ही दुख, इज़ है अवर डेस्टिन्ड इंड और वे, अवर डेस्टिन्ड हमारे मंजिल में, हमारे भाग्य में, हमारे भाग्य के इंड अंत में, और वे या रास्ते में। कहना चाहते हैं कि अवर डेस्टिन्ड हमारे भाग्य के इंड अंत में, और या फिर वे भाग्य के रास्ते में। ऊपर लिखा है कि नॉट इन्जॉयमेंट, न तो सुख लिखा है, एंड नॉट सॉरो और न ही दुख लिखा है।
फिर कहते हैं कि बट लेकिन टू एक्ट काम करने से, कैसे काम करने से, दैट इज टुमारो, इज टुमारो प्रत्येक आने वाले कल में अर्थात लगातार रोज, कहते बट लेकिन टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन लगातार काम करने से, लगातार आने वाले कल में काम करने से हम जो है फाइंड्स पाते हैं अस खुद को, कहाँ पाते हैं, फर्दर आगे पाते हैं, कहाँ से आगे पाते हैं, देन टुडे आज से अर्थात रोज से। एक बार फिर से कहते कि नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टिन्ड इन अवर वे, हमारे भाग्य के अंत में या फिर हमारे भाग्य में न तो सुख लिखा है न तो दुख लिखा है। बट लेकिन टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन प्रत्येक आने वाले कल में लगातार काम करने से हम जो है फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, हम जो है खुद को रोज से आगे पाएंगे अर्थात रोज जो है आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे अगर हम रोज लगातार काम करें तब। अगले स्टेंजा में कहते हैं इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बिवॉक ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। एकदम पावरफुल बातें, क्या कहते हैं इसको, मोटिवेटेड मतलब मोटिवेशनल बातें हैं यहाँ पे। कहते हैं कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार को जो है बैटल मतलब युद्ध क्षेत्र बता रहे हैं कभी, कहते हैं कि इन द वर्ल्ड्स संसार के ब्रॉड विस्तृत फील्ड ऑफ बैटल, बैटल मतलब युद्ध का फील्ड मतलब क्षेत्र, कहते हैं संसार के इस मतलब वर्ल्ड्स संसार के ब्रॉड विस्तृत या विशाल विशाल फील्ड ऑफ बैटल मतलब युद्ध क्षेत्र में, संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, संसार की विशाल युद्ध क्षेत्र में, और इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, लाइफ जीवन के बिवॉक मतलब पड़ाव पर, अस्थाई पड़ाव पर, अस्थाई पड़ाव मतलब मोड़, पड़ाव से मतलब मोड़, मोड़ से है उसको अस्थाई बता रहे, अस्थाई मतलब वो मोड़ जो है कि नियत नहीं है, स्थिर नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ पे पड़ाव से मतलब मोड़, मोड़ से मतलब है उतार चढ़ाव। तो कहते हैं इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल मतलब संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ जीवन के अस्थाई पड़ाव पर, जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें, बी नॉट लाइक डम, बी नॉट मत बनो लाइक डम घूंगे, ड्रिवन कैटल भगाए हुए अर्थात शोषित या फिर गुलाम पशु मतलब गूंगे बन के मत रहो और गुलाम पशु बन के मत रहो, तो क्या बनो, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बी अ हीरो मतलब एक वीर बनो इन द स्ट्राइफ इस संघर्ष में। एक बार फिर से कहते हैं कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल मतलब संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द विवॉक ऑफ लाइफ जीवन के अस्थाई पड़ाव पर, बी नॉट लाइक डम गूंगे बन के मत रहो, ड्रिवन कैटल शोषित या फिर गुलाम पशु बन के मत रहो, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ इस संघर्ष में हीरो बन के रहो, वीर बन के रहो। अगले और लास्ट स्टेंजा में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पोएम का, स्टेंजा फॉर कंप्रिहेंशन के लिए, कहते हैं इसमें कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ हर्ट फॉर एनी फेट स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग लर्न टू लेवर एंड टू वेट। काफ़ी अच्छी बात है, कहते हैं कि लेट अस देन, देन कहते हैं देन तब, लेट अस चलो बी अप तैयार हो जाएं एंड डूइंग और काम करें, देन तब लेट अस बी अप चलो तब तैयार हो जाएं एंड डूइंग और काम करें, कैसे काम करें, विथ अ हर्ट दिल से काम करें, मन से काम करें, फॉर एनी फेट, एनी फेट, फेट मतलब भाग्य, फॉर एनी फेट भाग्य कैसा भी हो, कहते हैं कि भाग्य कैसा भी हो चलो तब हम तैयार हो जाएं और दिल से काम करें, मन से काम करें, कैसे, स्टिल अचीविंग, स्टिल हमेशा अचीविंग प्राप्त करते हुए, स्टिल परसुइंग हमेशा परसुइंग अनुसरण करते हुए, किसको प्राप्त करते हुए, किसका अनुसरण करते हुए, कहते हैं कि स्टिल परसुइंग अच्छी बातों का, यहाँ से अपने से समझना है तो कहते हैं कि हमेशा अच्छी बातों का जो है परसुइंग अनुसरण करते हुए, और स्टिल अचीविंग हमेशा अच्छी बातों को प्राप्त करते हुए, लर्न सीखें, क्या सीखें, टू लेवर काम करना सीखें, एंड टू वेट और इंतज़ार करना सीखें, किसका इंतज़ार करना सीखें, अपने काम के फल का इंतज़ार करना सीखें। फिर समझिए एक बार, कहते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग चलो तब तैयार हो जाएं और विथ अ हर्ट मन से काम करें, फॉर एनी फेट भाग्य कैसा भी हो, मतलब चलो तब तैयार हो जाएं और हमारा भाग्य कैसा भी हो हम मन से काम करें, दिल से काम करें, और स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग
हमेशा अच्छी बातों का अनुसरण करते हुए और अच्छी बातों को प्राप्त करते हुए लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हम काम करना सीखें, मेहनत करना सीखें और अपने मेहनत के फल का इंतज़ार करना सीखें। तो ये रहा मोटिवेशनल पोएम बाय एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।